हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो यहाँ अभी चेन्नई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और 3 दिन से लगातार हो रहा है, इसलिए रुक नहीं रहा है। आप हमारे घर का कंडीशन अभी देख सकते हैं। देखिए पूरा कपड़े लटके हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि सब गीला था, इसलिए हमें यहाँ पर लटका के भी रखना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, क्योंकि 3 दिन से लटके हैं तो सूख गए अभी कपड़े। हमारे घर में बहुत मेंढक आ जाता है, इसलिए मम्मी अभी मेंढक लेके आई और डस्टबिन में रखी है, बाहर लेके जाके छोड़ देगी मेंढक को। जैसे मैंने आपको बताया कि आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ था और अभी भी बहुत ही क्लाउडी दिख रहा है, अब तक सन आया नहीं है। ये मैं आपको अपने छत से दिखाती हूँ सारा नज़ारा। अभी 4 ही बज रहे हैं, लेकिन इतना क्लाउडी है, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाला है। और रात को भी होती है, आज सबसे कम बारिश हुई है लेकिन। और हमारे यहाँ बहुत आवाज़ आते रहता है, क्योंकि घर एकदम मेन रोड के पास है, हाईवे से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ बहुत नॉइस आते रहते हैं। इसलिए मोस्टली मैं छत पर आती हूँ तो वॉइस ओवर ही देती हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो। अभी 4 बज गए हैं और क्लाइमेट भी बहुत चिल है, फिर भी मैंने आज हेयर वॉश किया, क्योंकि 1 वीक से मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, इसलिए मैंने हेयर वॉश कर लिया, जिसके लिए मम्मी बहुत डांट रही थी। लेकिन बाल तो वॉश करना ही था, इसलिए अभी कर लिया और बहुत जल्दी सूख जाएगा। क्योंकि चेन्नई का क्लाइमेट भले ही चिल हो या ठंडी लग रही हो, फिर भी यहाँ की गर्मी से बहुत जल्दी बाल सूख भी जाते हैं। इसको ना आपको टॉवल ड्राई करने की ज़रूरत है, ना हेयर ड्रायर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, आराम से सूख जाता है। यहाँ मम्मी ने एलोवेरा और केला का पेड़ लगाया था, अब देखिए कितना सुंदर तरीक़े से उग चुका है, क्योंकि बारिश हो रही है ना, बारिश में और हरे भरे दिख रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट करे मैं नीचे जाती हूँ, जाके रील बनाती हूँ, क्योंकि सबसे पहला काम है आपको एंटरटेन करना है, इसलिए रील मेरा अच्छा बनना चाहिए। यहाँ पे हम बना रहे हैं अरबी के पत्ते की सब्जी। तवे में डाल रहे हैं हल्का सा तेल और इसको सेक रहे हैं। कोचाई के पान की सब्जी बनने के लिए अभी थोड़ा 5 मिनट लगेगा, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ, कि मुझे रील बनाना है रिंग लाइट के साथ। मैं बाल को बांधने के लिए स्केचर ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिला नहीं। कितना भी लेके रखो, आपको जब जरूरत होता है तब कोई भी चीज़ मिलता है, तो मैं इसे यूज कर लेती हूँ। हेयर पैन, मैं रील बनाने के लिए या कोई भी यूट्यूब शॉर्ट बनाने के लिए ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ आईब्रो पेंसिल और लिपस्टिक, फिर बाकी काम फिल्टर से हो जाता है। तो जो हम डेली मेकअप करते हैं उसी को मैं कर लेती हूँ। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस ड्रेस चेंज करना है मुझे, कोई भी जो ठीक ठाक कॉस्ट्यूम है रील की उसे मैं पहन लूंगी। और आपको याद है मैंने 4 बजे बोला था कि मैं रील के लिए तैयार होंगी, लेकिन ऐसे ही टाइम होते होते बहुत लेट हो जाता है, उसके बाद ही मैं रेडी होके रात तक मैं बनाती हूँ। फिर 9 बजे हम कुछ 9 या 10 बजे तक खाते हैं, और फिर ऐसे ही प्रोसेस चलते रहता है। लेकिन आज जल्दी कंप्लीट करने के लिए मैं सोच के रखती हूँ। तो आप सबको एंटरटेन करना है तो मुझे परफेक्ट रील तो बनाना ही पड़ेगा। तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और ये बहुत सिंपल लग रहा है, इसलिए इसके साथ मैं ये झुमकी पहनूंगी। ये है मेरा फाइनल लुक, आप कमेंट करके जरूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैं रील बनाने में बिजी हो जाती हूँ, तो आज की मम्मी सब्जी बना देती है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भूख लगने लग गया देखते ही, लेकिन मैं अभी खाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी मैं बनाऊंगी, कंप्लीट करूंगी अपना रील, उसके बाद मैं भिड़ूंगी खाने के लिए। और मैंने आपको बताया था ना कि ये छत्तीसगढ़ का फेमस अरबी के पत्ते का सब्जी है, जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं क्या, इड़हर बोलते हैं। अब मुझे यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है। यहाँ पे जो ट्रेडमिल है, इसको ट्रेडमिल तो यहीं पे रहेगा, इसको नहीं हिला सकते यहाँ से। 4 को हटा के यहाँ पे रख दूंगी मैं, और यहाँ पे रहेगा ट्राइपॉड, और इतने स्पेस में मेरे को डांस या फिर जो भी रील के रिलेटेड मैं बना रही हूँ यहाँ बना दूंगी। रिंग लाइट का कनेक्शन यहाँ से होगा, ये एक्सटेंशन बॉक्स है, यहाँ हो गया है कनेक्शन। तो हो गया है सेटअप, अब मैं जल्दी से सॉन्ग डिसाइड करती हूँ और डांस करती हूँ। हो
हो गया आपका रील से पूरा? नहीं हुआ है अभी। उर्फी के गाना भी बना रही हूँ और 5 6 बार बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। एक बार तो मेरे हाथ में लग गया है, लेकिन कब देखो फाइनल बन जाएगा देखो परफेक्ट। दोस्तों, ऐसे ही बनाती है, घर पे रील्स बना रही है। ये रील्स बनाती है तो मैं 15 सेकंड खाना हुए। बनाना हाँ पड़ रहा है मेरे को। सॉरी 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 सॉरी। तो खाना मैं सुबह सुबह का वही सोच रही हूँ कि सुबह बना दूँ, क्योंकि यही टाइम डिसाइड करके रखा है ना मैंने। तो देखो मैं सोच रही हूँ कि सुबह मैं खाना बनाऊंगी, तभी करेक्ट टाइम रहेगा, क्योंकि ऐसे में पूरा मम्मी के ऊपर जोर पड़ जाता है। अब 15 सेकंड का रील बनाने के लिए 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा नहीं 3 घंटा भी लग जाता है कभी 15 सेकंड का रील बनाने के लिए। लेकिन जितना एंटरटेनिंग, जितना परफेक्ट आपके लिए बना सकूँ, उतना मैं बनाने के लिए फुल मेहनत करती हूँ गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। तो इतना एरिया है गाइस जहाँ पे मैं डांस करती हूँ। अभी बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए बाहर नहीं जा रहे, वरना बाहर जाके भी हम लोग शूटिंग करते हैं रील्स के लिए। ऑलमोस्ट शूट हो गया है। फाइनली जिस सॉन्ग में मैं रील बना रही थी वो बन चुका है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये रील को बनाया है। आज ही मैं इस रील को अपलोड करने के लिए ट्राई करूंगी, आज ही एडिट करके सब काम कंप्लीट करके। जिस तरह से आप सब मुझे सपोर्ट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अपना सपोर्ट आप हर समय बनाए रखिए। अब डिनर टाइम हो गया है इसलिए मैं अभी डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। पापा आ चुके हैं, आज जल्दी आए थे। पूरा रेनकोट पहन जाते हैं क्योंकि बारिश का दिन है, इसलिए पूरा रेनकोट पहन जाते हैं पापा। बहुत सर्दी हो रहा है पापा को, लेकिन जाना पड़ता है बारिश में। अभी कैसा है सर्दी? बहुत जोर का सर्दी, बहुत जोर का सर्दी हो जाता है। अगर थोड़ा सा ठंडी वंडी आता है तो बहुत जोर से होता है सर्दी हमारे घर में, भैया को और पापा को। तो मैं अभी कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए। इस टम्बलर में 2 टम्बलर बन सकता है कॉफ़ी। अब इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी और 2 चम्मच शक्कर। कॉफी बन चुकी है, अब मैं मग में ट्रांसफर कर देती हूँ। मैंने अपने लिए कॉफी बना लिया है और मम्मी को भी चाय चाहिए तो मम्मी को चाय बना के भी दे देती हूँ। वो मैं बहुत ही यहाँ पे मजेदार कॉफी उबला बनाया हुआ मैंने। दूध रखा था, इसी में से मैंने चाय बनाया मम्मी के लिए। चाय का यही बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छा भी रहता है पीने में, एकदम मन ताज़ा हो जाता है। ये लो मम्मी चाय। यहाँ मम्मी थैंक यू बोल रही थी तो मैंने बोला मैंने एक चाय तो बना के दिया है। और मम्मी ने चाय पी है, कैसा लग रहा है? मैंने बनाया चाय। चाय बनाने से लेके कुछ भी डिश बनाना हो, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन, मम्मी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाती है और परफेक्ट बनाती है। इसलिए उनके टक्कर में आने के लिए मैं पूछती हूँ कुछ भी चीज़ बनाती हूँ तो, लेकिन उसमें से मम्मी कुछ ना कुछ निकाल उसमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक निकाल देती है, क्योंकि परफेक्शन चाहिए होता है खाने में। खाने में हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, परफेक्शन होना ही चाहिए।